हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं दो ऐसे रोबोट की कहानी जिन्हें हो जाता है आपस में प्यार। तो मूवी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरुआत सन 1900 को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। वहीं हम एक वॉली नाम के रोबोट को देखते हैं, जिसका काम कूड़ा कलेक्ट करके क्यूब में कन्वर्ट करने का है। वॉली के साथ एक कॉकरोच भी रहता है। इतने साल पृथ्वी पर रहने की वजह से वॉली बहुत ही ज्यादा कुछ सीख चुका है और उसका एक घर भी है। वॉली को जो भी कुछ चीज पसंद आती है वह उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। वॉली को एक दिन बहुत ही यूनिक चीज मिलती है। यह एक प्लांट था और वॉली उसे अपने पास रख लेता है और उसके बाद उसे एक लाइट दिखती है जिसका वह पीछा करता है और एक जगह आकर वह लाइट रुक जाती है और वह देखता है कि यह एक स्पेसशिप है। वह अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे छुप जाता है और जब वह जमीन के बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक रोबोट और भी स्पेसशिप से बाहर निकला है। वॉली काफी टाइम तक उसका चोरी छुपे पीछा करता है। हम देखते हैं कि यह रोबोट भी पृथ्वी को स्कैन कर रहा था। एक बार वॉली से गलती से आवाज हो जाती है जिसकी वजह से वह रोबोट उस पर शूट कर देता है, मगर स्कैन करने के बाद उसे कोई खतरा नजर नहीं आता और वह वापस अपने काम में लग जाता है। और कुछ समय बाद वॉली उस रोबोट से बात करता है। यह रोबोट अपना नाम ईव बताती है और वॉली इसे ईवा कहता है। वॉली ईवा को अपने घर लेकर आता है और उसे वही प्लांट दिखाता है। ईवा प्लांट को स्कैन करती है और अपने अंदर रख लेती है और ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो गया था। उसका मिशन था पृथ्वी पर जिंदगी को ढूंढना। एक्चुअली बहुत सालों पहले एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टार लाइनर एक्जम, जिसने एक स्पेसशिप बनाई थी जिसका नाम था बाय एंड लाइफ। जो लोग जिंदा बच गए थे वह उस स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स में चले गए और यही स्पेसशिप कुछ रोबोट को पृथ्वी पर भेज रहे थे, यह पता लगाने के लिए कि पृथ्वी अब रहने लायक बनी है या नहीं। इसी वजह से ईवा को भी पृथ्वी पर भेजा गया था। अब वही स्पेसशिप ईवा को वापस लेने के लिए आती है, मगर वॉली उसे वापस देना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे जाता है और उस स्पेसशिप में लटक जाता है। अब वह स्पेसशिप एक और बड़े एक्जियम नाम के शिप में चला जाता है। ईवा को रोबोट के द्वारा स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सारा काम रोबोट के ही द्वारा किया जाता था, और उसके पीछे वॉली भी चला जाता है। और हम बहुत सारे इंसानों को देखते हैं, यह वही इंसान होते हैं जो पृथ्वी तबाह होने के बाद स्पेस में आ गए थे, मगर यहाँ पर रह रहे सभी इंसान बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए थे। वह खड़े होने के भी लायक नहीं थे और वह चल भी नहीं सकते थे। फिर हमें शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी हो गया था और उसके साथ एक रोबोट भी था जिसका नाम था ऑटो, और वह उसे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। ऑटो कैप्टन से कहता है कि जिस रोबोट को हमने पृथ्वी पर भेजा था वह सक्सेसफुल होकर वापस आ गया है। और जब वह मैनुअल देखता है तो उसे पता चलता है कि उस प्लांट को जब होलो डिटेक्टर में डालकर एक्टिवेट किया जाएगा तो स्पेसशिप ऑटोमेटिक पृथ्वी पर चली जाएगी। कैप्टन कहता है कि मुझे वह प्लांट दिखाओ, मगर जब ईवा को ओपन किया जाता है तो वह प्लांट वहां से गायब हो जाता है। जब ईवा वॉली को देखती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वॉली यहां कैसे आ गया। कैप्टन ईवा को रिपेयर करने के लिए भेज देता है और उसके साथ वॉली भी चला जाता है। ईवा को अंदर चेकिंग के लिए ले जाया जाता है और वॉली को बाहर रख दिया जाता है। वॉली को लगता है कि वह ईवा के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वह उसे बचाने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर वह खुद ही गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से कुछ खराब रोबोट बाहर आ जाते हैं और स्पेसशिप में अलर्ट कर दिया जाता है कि कुछ रोबोट बेकाबू हो गए हैं। इसलिए ईवा उसे पकड़कर एस्केप पोर्ट में ले जाती है, मगर वॉली जाने से मना कर देता है कि उस एस्केप पोर्ट में एक और रोबोट होता है जिसके पास वही प्लांट होता है और उसे वह ब्लास्ट करने के लिए वहाँ रख देता है। वॉली को कुछ पता नहीं था, इसलिए वह उसके अंदर चला जाता है और वह एस्केप पोर्ट में लॉन्च हो जाता है। यह देखकर ईवा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे इमरजेंसी एग्जिट से बचाने के लिए जाती है और वह देखती है कि जिस पोर्ट में वॉली था वह ब्लास्ट हो गया है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है, मगर वह देखती है कि वॉली वहां पर सर्वाइव कर जाता है और वह प्लांट भी सही सलामत है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह दोनों स्पेस में घूमने लगते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर ईवा एक जगह वॉली को रुकने के लिए कहती है और चली जाती है कैप्टन के पास उस प्लांट को देने, मगर ऑटो रोबोट कैप्टन से कहता है कि यह प्लांट मुझे दे दो और हम पृथ्वी पर कभी नहीं जाएंगे। ऑटो कैप्टन को एक क्लिप दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि पृथ्वी अभी रहने लायक नहीं है, इसलिए हम सभी अंतरिक्ष में रहने के लिए जा रहे हैं और यह मेरी लास्ट कमांड है। मगर कैप्टन को पता चलता है कि यह वीडियो के लिए बहुत साल पुरानी है। वह कहता है कि अब तक तो पृथ्वी रहने लायक हो गई होगी, मगर ऑटो नहीं मानता, इसलिए वह छोटे रोबोट को बुलाता है और वह रोबोट प्लांट को गार्बेज बॉक्स में फेंक देता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं, मगर तभी उस गार्बेज बॉक्स के अंदर से निकलता है वॉली जिसके सर पर वही प्लांट रखा हुआ था। फिर ऑटो वॉली को करंट देकर उसका सारा सिस्टम हिला देता है और उसे और ईवा को गार्बेज बॉक्स में फेंक देता है और कैप्टन को रूम में बंद कर देता है। और फिर ईवा वॉली को चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी चिप बिल्कुल ही खराब हो गई है। वॉली उसे प्लांट दिखाकर कहता है पृथ्वी, और वह समझ जाती है कि वॉली पृथ्वी पर ही ठीक होगा,
फिर वह जाती है कैप्टन के पास उस प्लांट को देने, और बाकी रोबोट भी उसकी मदद करते हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि तुम प्लांट को होलो डिटेक्टर में रख दो और मैं यहाँ से उसे एक्टिवेट कर दूंगा और शिप ऑटोमेटिक पृथ्वी पर चली जाएगी। यह सुनने के बाद वह चले जाते हैं होलो डिटेक्टर के पास। कैप्टन ऑटो को बेवकूफ बनाने के लिए एक इमेजिनरी प्लांट की फोटो दिखाता है। यहाँ पर सभी इंसान रेडी हो गए थे पृथ्वी पर जाने के लिए। इधर ऑटो होलो डिटेक्टर को वापस बंद कर देता है, मगर वॉली होलो डिटेक्टर को किसी तरह पकड़कर खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर कैप्टन किसी तरह ऑटो रोबोट को ऑफ कर देता है, और फाइनली ईवा उस प्लांट को होलो डिटेक्टर में रख देती है और सिर्फ एक्टिवेट होकर पृथ्वी पर निकल जाता है। और ईवा देखती है कि वॉली बिल्कुल ही खराब हो गया है, इसलिए सिर्फ जैसे ही पृथ्वी पर लैंड करती है तो ईवा उसे ले जाती है उसके घर में और उसके सभी पार्ट्स को रिपेयर कर देती है और उसके अंदर एक नई चिप लगा देती है और उसे सिम में चार्ज होने के लिए रख देती है। मगर न्यू चिप लगाने की वजह से वॉली की सारी मेमोरीज रीसेट हो गई थी। यह देखकर ईवा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वॉली का हाथ पकड़कर उसको गले लगा लेती है। गले लगाते ही उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और फिर सभी मिलकर उस प्लांट को लगा देते हैं और पृथ्वी पर न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर यह मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।